हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट के चैप्टर नंबर 10 में ओवी व्याकरण किताब के, ठीक है ना, उसमें आपका स्वागत है। जिसका नाम है विलोम शब्द। क्या नाम है? विलोम शब्द। विलोम मतलब विपरीत, है ना। विलोम मतलब विपरीत, यानी कि जो भी आप बात करो, जो आप कितनी भी ठीक ठाक बात करो उसका विपरीत ही निकालना, ठीक है ना। आप अच्छी बात करोगे तो बुरी निकाल देगा, तो यही कहते हैं उसको विपरीत बात करना, यानी कि विलोम कहलाना, ठीक है ना। उल्टी बात करना तो उल्टा लिखना क्या कहलाता है? विलोम कहलाता है। उल्टी बात करना, और ठीक है ना, किसके लिए होता है ये? विलोम के लिए यूज होता है। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें उस दूसरे शब्द का क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं रोशनी कर दूं, दूसरे का अंधेरा कर दूं, समझ गए? नहीं समझे? मैं कहूं सच बोल, झूठ बोल दूं, तो सच का उल्टा क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। मैं कहूं अच्छे अच्छे काम कर, बुरे बुरे ना करूं, क्या हो जाएगा? उल्टा कर दिया ना जस्ट। मैं कहूं दिन हो रहा, रात हो रही है, तो ये भी क्या हुआ? दिन का उल्टा रात हो गया। तो जो भी जैसे मतलब जो भी जिसका उल्टा करे, है ना, उसे क्या बोलेंगे हम? मैं अगर ईमानदारी कर ले भाई, अगर आप बेईमानी ना कर लो तो ईमानदारी का उल्टा क्या हो जाएगा? बेईमानी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे शब्द और उनके विलोम शब्द। जैसे कह रहा एक ने कहा भाई तुमको बड़ा नहीं डर है, मतलब डरता ही नहीं, तो कह रहा बहुत बड़ा डरपोक है भाई, समझे नहीं समझे? भाई एक से कहते नहीं डर है तो दूसरा तो डरपोक हो गया ना। एक कह रहा भाई उसके तो महल खड़े, तो हमारे तो झोपड़ी खड़ी है ना। तीसरा जैसे कनिष्ठ है, वो क्या है? कनिष्ठ मतलब छोटा है, तो क्या मैं वरिष्ठ हूँ, ठीक है। उसके बाद देखा थोड़ी सी थोड़ा सा मिला मुझे, तो कह रहा मेरे पास बहुत सारा है ना, बहुत है। तो कह रहा बहुत कठोर है, कह रहा बहुत कोमल है, नाजुक हो रहा बिल्कुल, है ना। ये कह रहा धर्म की बात करो, वो कह रहा चल धर्म की बात करेंगे हम तो, ठीक है। ये कह रहा सकुन, क्या है? सकुन, सकुन सकुन से काम करो, क्या आप सकुन में करेंगे सारा। ये कह रहा गंगा पवित्र नदी है, क्या कह रहा? पवित्र। तो कह रहा नहीं, ये आदमी बहुत अपवित्र है जो इसमें नहाने जा रहा। मैं कह रहा हूँ भलाई करो भैया, तो उल्टा वाला क्या कहेगा? बुरा, मतलब भलाई मत करो, क्या करो? बुराई करो। मैं कह रहा हूँ शोक मनाओ मरने पर, वो कहेगा बर्थडे में हर्ष मनाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें रात को सीमा की सुरक्षा करते हो तो जागना है, तो वो कह रहा जागना तुम्हें है, हमें तो घर में सोना है, तो सोने का उल्टा जागना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वहां पर एक है, तो कह रहा वहां तो बहुत सारे अनेक खड़े थे, है ना, तो एक का उल्टा अनेक। वरदान, मैं कह रहा हूँ भगवान ने मुझे वरदान दिया, वो कह रहा मुझे तो श्राप दे दिया। फिर वो कह रहा जीवन, हम जीवित हैं, जीवन है हमारा, वो कह रहा हमारा तो मरण हो गया भाई, हमारा तो एक बात करेगा मरण हो गया, तेरा जीवन हो गया। कह रहा अमृत, पता ना वो समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान से हमने क्या भी लिया? विष भी लिया था, है ना। तो बाकी देवताओं को क्या दे दिया? अमृत। देवताओं में का अमृत, भगवान को मिला विष। वो कह रहा अपना, तो अपने को उल्टा जस्ट पर आया। आगे बात करते हैं, एक रहा सत्य, सच सच बोलो, झूठ बोलेंगे हम तो। एक रहा पूरब, सूरज पूरब से निकलता है, अस्त तो उसमें पश्चिम में हो रहा है। एक रहा स्वदेश, ये हमारा खुद का देश है, बोला ये देश है भाई। एक रहा अनुज, है ना, वो कहेगा अग्रज है भाई। दुर्बल, ये कहेगा सबल है। या देव, दानव है। सुगंध, दुर्गंध है। प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। मित्र है तो शत्रु भी है। हंसना है तो रोना है। ईमानदार है तो बेईमान भी पड़े हैं। सदाचार है तो दुराचारी भी है। और वृद्ध है तो युवा अवस्था भी है भैया। उपकार है तो अपकार भी है। गुण है तो अवगुण है। ऊंचा है तो नीचा भी है। आगे चलते हैं, अच्छा है, बुरा है, मान है, अपमान है, इन्हें आप पढ़ लेना, ठीक है ना। ये कहने का मतलब क्या है? सभी के सभी उल्टे, ठीक है, विपरीत है। क्या विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो उल्टा या विपरीत अर्थ निकाले, क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलान करो अभ्यास प्रश्नावली के अकॉर्डिंग। सुख का क्या हो जाएगा? सुख है तो दुख है, ठीक है ना। वो कह रहा अनुज है, कह रहा अग्रज है। प्रकाश है तो अंधकार है। अमृत है तो विष भी है भैया, भगवान से वाला। हंसना है तो हमें रोना है। उसके बाद कह रहा है थर्ड पे, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये कह रहा एक है तो अनेक है, वृद्ध है तो युवा है, अच्छा है बुरा है, देव है दानव है, स्वदेश है विदेश है, थोड़ा है ज्यादा है बहुत है, शोक है तो हर्ष है, कोमल है तो कठोर है, ठीक है। ये हो गया आपके शब्दों के विलोम शब्द। अब ये कह रहा है अंधकार उजाला दर्शाता हुआ एक चित्र अपनी कॉपी पर बनाइए। एक सीनरी बना दो जिसमें अंधकार आ रहा हो, दूसरी तरफ उसी के पार्ट में क्या बना दो, एक तरफ
अंधेरे में बैठा हुआ कोई आदमी बना दो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रोचक का चैप्टर खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर।